आपको पता होगा ही कि मनीष कश्यप को एक पुराने केस के मामले में बिहार लाया जा रहा है। जी हां, बेतिया के कोर्ट में उनकी पेशी की जाने वाली है। लेकिन इससे पहले ही बिहार में घमासान मच गया। आपको पता होगा ही कि ये घमासान क्यों मच रहा है। जी हां, कल तारीख है 23 और इस 23 तारीख को तमिलनाडु के सीएम, जी हां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं उनका नाम है M.K. Stalin। नाम सुनकर आपको अंग्रेजों वाली फीलिंग तो आ रही होगी। जिस तरीके से मनीष कश्यप पर इनकी सरकार ने NSA लगाकर उन्हें मदुरई में कैद करके रखा है, ये बिल्कुल दर्शाता है कि आपको अंग्रेजों की याद आ जाएगी। अंग्रेजों के समय में एक साइमन हुआ करते थे जिनके बारे में नारे लगते थे साइमन गो बैक। ठीक उसी तरीके से आज शाम को 6 बजे से ट्विटर पे एक ट्रेंड चलने वाला है जिसमें स्टालिन गो बैक का नारा लगने वाला है। स्टालिन गो बैक को हैशटैग में दिया जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि स्टालिन गो बैक का नारा आखिर लगा कौन रहा है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं बिहार ही नहीं पूरे भारत से, वो सभी इस नारे को लगाएंगे और ट्विटर पर अपनी बातों को रखेंगे जिसमें हैशटैग स्टालिन गो बैक लिखा जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin का स्वागत कितना भव्य होने वाला है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। कितने लोग क्या खाएंगे, प्लेट में क्या सजाया जाएगा, कितने फूल लाए जाएंगे, कहां पर AC और कूलर लगाया जाएगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मनीष कश्यप के जितने समर्थक हैं वो कल रोड पर उतरने वाले हैं और अपना विरोध दिखाने वाले हैं। स्टालिन के प्रति अपना पूरा विरोध दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया इस बिहार के लड़के ने जिसके कारण उस पर NSA लगाया जाना पड़ा और उसे दूसरे राज्य में एक कैदी की तरह रखा जा रहा है। एक ऐसा लड़का जो बिहार के बारे में आवाजें उठाता रहा, बिहार की गरीबी को दिखाता रहा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दिखाता रहा, उस लड़के पर NSA लगाकर आखिर उसने क्या गलती कर दी कि उसे मदुरई में कैद करके रखा गया है। आपको बता दें कि स्टालिन आखिर बिहार आ क्यों रहे हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष दलों की मीटिंग होने वाली है जिसको अटेंड करने के लिए M.K. Stalin पटना आने वाले हैं। उन्हीं के स्वागत में हर तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि M.K. Stalin बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। इसको जानते ही मनीष कश्यप के समर्थकों ने अपने अपने विरोध को दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि स्टालिन पटना आने वाले हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से आवाज उठानी शुरू कर दी और एकजुट होकर निर्णय लिया कि उन्हें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। आज शाम को 6 बजे यानी 22 जून शाम को 6 बजे से ट्विटर पर आपको हैशटैग स्टालिन गो बैक दिखाई देने वाला है। अगर आप भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं या फिर कभी भी मनीष कश्यप के कामों को आपने देखा है या फिर उनकी अच्छाई आपने देखी है, आप भी इस ट्रेंड में शामिल हो सकते हैं और हैशटैग स्टालिन गो बैक के नारे में आप भी भागीदारी ले सकते हैं। ऐसे तो इस विरोध प्रदर्शन में मनीष कश्यप के लाखों समर्थक हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में कुछ राजनीतिक चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मैं अगर प्रमुख नाम को लूं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार आपको नजर आएंगे जो बढ़ चढ़कर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, जिन्होंने कहा कि उनके भूमियार समाज के सारे लोग मनीष कश्यप के समर्थन में और इस विरोध प्रदर्शन में आगे आएंगे। इसके साथ उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं इस विरोध प्रदर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। और इस बात की जानकारी मैं आपको नहीं दे रही बल्कि मैंने आशुतोष कुमार के सोशल मीडिया हैंडल को देखा जिसमें उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उनके भूमियार समाज और उनकी पार्टी के सारे लोग इस विरोध प्रदर्शन में अपना अपना हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी अलग राज्य में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। लगता है कि दो राज्यों के बीच में रिश्ते जो हैं वो मजबूत होंगे। लेकिन स्टालिन के एक निर्णय ने इनके चेहरे को बर्बाद कर दिया है। जिस तरीके से स्टालिन की खबर बिहार के लोगों के कानों में पहुंची कि स्टालिन बिहार के पटना में पहुंचने वाले हैं, उसी समय मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक थे स्टालिन के विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। बाकी आगे जो बातें होंगी जैसा आप मुझे अपडेट मिलेगा आप तक मैं वीडियोस को पहुंचाऊंगी। कल देखते हैं पटना का माहौल क्या होता है। तब तक मुझे जरूरी लगा कि इन सारी बातों को, इन सारी जानकारियों को आप तक मैं पहुंचाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।